जय जगन्नाथ। कुछ लोगों की आवाज तो आई, इससे ज्यादा तो मेरे अपने हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में आ जाती जब मैं कहता हूं जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, भारत माता की, भारत माता की। शैल आई शेयर अ सीक्रेट विद यू, शैल आई शेयर अ सीक्रेट विद यू। इफ यू रेज योर वन हैंड, जस्ट रेज योर वन हैंड एंड से भारत माता की। नाउ रेज बोथ योर हैंड एंड से भारत माता की। सो वेन एवर यू से भारत माता की जय, रेज योर बोथ हैंड, सो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के माननीय शिक्षा एवं स्किल डेवलपमेंट मंत्री बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्कल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर सबिता आचार्य जी, डीआईजी सीआरपीएफ श्री पुखराज जयपाल जी, स्टेट डायरेक्टर एनवाईकेएस मेसानी सिन्हा जी, रीजनल डायरेक्टर एनएसएस मिस सरिता पटेल जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड माय यंग फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट मी फर्स्ट थैंक द वाइस चांसलर उत्कल यूनिवर्सिटी एंड द एनवाईकेएस स्टेट डायरेक्टर एंड एनएसएस रीजनल डायरेक्टर फॉर मेकिंग दिस इवेंट अ ग्रैंड सक्सेस एंड विद योर प्रेजेंस All I can say, look at the crowd and look at the courage of these young leaders who are in front of me and who are welcoming none other than the Education Minister of the India and who himself is an alumni of Utkal University, Shri Dharmendra Pradhan ji. Bhai aur behno, Azadi ka Amrit Mahotsav. आजादी के 75 वर्ष भारत को हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आइए क्यों ना सब मिलकर हर देशवासी आजादी के अमृत महोत्सव को मनाए। और पिछले दो वर्षों में देश भर में लाखों कार्यक्रम किए गए और इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमने स्वतंत्रता सेनानियों को जहां एक और याद किया, वहीं देश पे रक्षा सुरक्षा के लिए अपना बलिदान करने वाले शहीदों को और उनके परिवारों को वहां पर बुलाकर सम्मानित किया, शहीदों को वंदन किया। आज जब मैं बाहर एक प्लेग का माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने उसको समर्पित किया तो मेरे मन से यही निकल रहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों पर यही निशान होगा। और जब भी आप किसी शहीद स्मारक पर जाते हैं तो ये पंक्तियां आपको उन शहीदों के बारे में और उनके योगदान के बारे में आपको याद करवाती हैं। आज ऐसे 10 परिवार जहां पर किसी ने अपने पति को तो किसी ने अपने बेटे को खोया है, उन माताओं को, उन बहनों को जो हम सबके बीच में आए हैं, और सीआरपीएफ के डीआईजी साहब, आपकी टीम उनको इस कार्यक्रम में लाई। सही मायने में अगर भुवनेश्वर में बैठकर हम पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं तो ये तब संभव है अगर बाहरी और अंदरूनी दुश्मनों से बचाने के लिए ऐसे जवान, भारत माता के जवान, देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं। तो मैं कहूंगा अमर रहें, अमर रहें वीर जवान, अमर रहें। आप मेरे साथ कहेंगे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
अमर रहे अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। भाई और बहनों, आखिरकार ये मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम क्यों, ये हजारों युवा जो मेरे सामने बैठे हैं, आपने अपने कैंपस में, अपने गांव में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में अमृत कलश यात्रा को लेकर क्यों चले, उसके पीछे भावना क्या है? भावना यही है कि जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को आजादी दिलाई और जो वीर सैनिक जिन्होंने देश को सुरक्षित रखा, उनको वंदन करना है। और जो भारत मां की ये मिट्टी जो 140 करोड़ भारतीयों को पेट भरने के काम भी करती है, अन्न पैदा करने का काम भी, और जिस मिट्टी की सौगंध को खाकर हर जवान देश के बॉर्डर पर अपनी जान तक न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाता है कि मां भारती को सुरक्षित रखेंगे, भारत मां को और यहां पर रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों को सुरक्षित रखेंगे। इसीलिए इस कार्यक्रम की रचना की गई कि देश के हर गांव में जाएंगे, हर गली में जाएंगे, अमृत कलश यात्रा लेकर जाएंगे और हर परिवार को कहेंगे चुटकी भर मिट्टी डाल दो, अगर मिट्टी नहीं तो थोड़े से चावल डाल दो, और आपका वो योगदान होगा जब देश के 6 लाख से ज्यादा गांव से, 25 करोड़ से ज्यादा घरों से ये मिट्टी इकट्ठी करके आएंगे तो देश के 7500 ब्लॉक्स पर एक कार्यक्रम होगा। ये अमृत कलश लेकर आप सब वहां पर ब्लॉक लेवल पर पहुंचेंगे, ये सारी मिट्टी उन 7500 कलश में डाल दी जाएगी और 7500 कलश लेकर 75,000 वॉलंटियर्स विल ट्रेवल फ्रॉम 7500 ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री टू द नेशनल कैपिटल वाया स्टेट कैपिटल। यानी कि आप अपने ब्लॉक से निकलेंगे, अपनी राजधानी स्टेट कैपिटल जाएंगे और वहां से देश की राजधानी दिल्ली में आकर इस मिट्टी से क्या होने वाला है, एक तो आपके गांव में 75 ट्री सैपलिंग्स लगाने का काम करना है, दूसरा ब्लॉक लेवल पे 75 सैपलिंग्स लगाने हैं, और तीसरा देश की राजधानी में जब आप ये अमृत कलश लेकर आएंगे तो जहां पर इंडिया गेट बना है, जहां अमर जवान ज्योति सारा साल जलती है, जहां किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाकर आजादी की मानसिकता से मुक्ति पाकर नरेंद्र मोदी जी ने अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी है, जहां अंग्रेज राज करने का, रूल करने की मानसिकता के साथ आए थे, उस राजपथ का नाम बदलकर अब आजादी के अमृत महोत्सव के समय सुंदर उसको बनाकर अब उसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया है, कर्तव्य पथ रख दिया है। हमारे देश में राजधानी में कोई भी वॉर मेमोरियल नहीं था, कोई पुलिस मेमोरियल नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वीर शहीदों के लिए एक बहुत शानदार वॉर मेमोरियल भी इंडिया गेट पे बनाकर तैयार कर दिया है, पुलिस मेमोरियल भी दिल्ली में बना दिया है, और अब आप ये जो मिट्टी भेज रहे हो, ये माटी जो देश के गांव गांव से आ रही है, अब आजादी का अमृत महोत्सव मेमोरियल जो देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के पास बनेगा, वो किसी चीज और से नहीं, आपके घर से आई हुई माटी से बनेगा, उड़ीसा की माटी से बनेगा, भुवनेश्वर के हर गांव गांव की माटी से बनेगा, उड़ीसा के हर गांव की माटी से बनेगा। तो अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, आपके ब्लॉक लेवल पर जब प्रोग्राम हो आप भूल मत जाना, अपने गांव की अपने घर की माटी को जरूर भेजना, ताकि भविष्य में जब आप आओ, अपने आप आओगे, अपने बच्चों के साथ आओगे, अपने माता पिता के साथ आओगे, तो देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर जरूर आना, कर्तव्य पथ पर जरूर जाना, और वहां पर शहीद स्मारक पर तो जाना ही, जो आपके घर से आई हुई माटी है उसका आजादी का अमृत महोत्सव
और अमृत वाटिका के पेड़ भी वहां पर लग जाएंगे, तो खुश होकर कहना परिवार वालों से कि जब मेरे यहां पर अमृत कलश यात्रा आई थी तो मैंने भी उसमें योगदान किया था, मेरे घर की माटी भी ये दिल्ली के स्मारक बनाने के काम आई है। देश के कोने कोने में कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन एक बात तो मुझे यहां माननी पड़ेगी, धर्मेंद्र भाई आप सही मायने में युवा नेता हो, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप भारतीय जनता पार्टी के रहे, लेकिन देश के युवाओं को और उड़ीसा के युवाओं को माटी के इस कार्यक्रम के साथ कैसे जोड़ना है, देश के इस कार्यक्रम के साथ कैसे जोड़ना है। अगर देश में सबसे सफल कार्यक्रम अगर किसी राज्य में हो रहे हैं तो उड़ीसा में मेरे भाई धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुरुआत करके किया है। आज मैं रोज देखता हूं, मैं एनवाईकेएस के डायरेक्टर महोदय से बात कर रहा था, कोई दिन ऐसा नहीं जब सोशल मीडिया पर उड़ीसा के कार्यक्रमों की पोस्ट ना आती हो। यह दिखाता है कि उड़ीसा का युवा देश के लिए अपना योगदान देने के लिए कैसे तैयार है। मेरे युवा साथियों, हमें यही नहीं रुकना। इफ यू हैव नोटिस्ड अबाउट द पंच प्रण, द फाइव प्लजेस वेरी क्लियरली, पहला प्लज था भारत को विकसित भारत बनाना है, टू मेक इंडिया डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए पांचवा प्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना है। यू हैव टू प्ले योर ड्यूटी, यू हैव टू डू योर ड्यूटी, नॉट सीक योर राइट्स ओनली बट यू हैव टू ओबे योर ड्यूटीज एज वेल। लेकिन ड्यूटीज करने के लिए बीच वाले तीन प्रण, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, बड़े इंपॉर्टेंट है, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना। अगर हम आज भी सोचेंगे कि अंग्रेज ही राज करते हैं, मुगलों का राज है, तो कुछ नहीं होगा। हमें तो 60-70 साल तक वही पाठ्यक्रम पढ़ाए गए जहां दिखाया गया कि मुगलों ने यह कर दिया, मुगलों ने वो कर दिया, अंग्रेजों ने यह कर दिया, लेकिन यह पढ़ाने में पीछे रह गए कि महाराणा प्रताप का कितना बड़ा योगदान था या स्वामी विवेकानंद का कितना बड़ा योगदान था। आज वो कोई सुधार कर रहा तो कोई और नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर 34 इयर्स के बाद कोई लाए तो नरेंद्र मोदी जी लाए, और इंप्लीमेंटेशन का काम उड़ीसा के सपूत धर्मेंद्र भाई के जिम्मे दिया है, देश भर में करवाने का। बट थर्ड प्लेज इक्वली इंपॉर्टेंट है, हमें अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है। अब क्या है, अंग्रेजों ने, मुगलों ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का काम किया, काशी विश्वनाथ को ध्वस्त करने का काम किया, बार बार तोड़ने का काम किया, राम मंदिर को तोड़ने का काम किया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ बना, दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनी, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बना, दिव्य और भव्य महाकाल लोक धाम बना, और अब दिव्य और भव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने वाला है। क्या बात है, जगन्नाथ की धरती से करें जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये बीच वाले तो बड़े जोर से कह रहे हैं, ऊपर वालों, ऊपर वाले मेरे युवा साथियों, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जगन्नाथ। भाई और बहनों, ये केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर नहीं, ये केवल आस्था के केंद्र नहीं, आज आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार बनाया है कि आज इन सभी स्थानों पर व्यापार और रोजगार के अवसर भी कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। आज G20 प्रेसिडेंसी भारत को मिली, एक बंद हॉल में G20 प्रेसिडेंसी हो सकती थी, बट मोदी जी मेड इट श्योर दैट ही एंश्योर्ड टू डू इट इन अ बिग स्केल, साइज एंड स्केल्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड दैट इज व्हाई ही पिक्ड अप 60 सिटीज ऑफ द कंट्री, 200 प्रोग्राम्स वर हेल्ड ऑफ G20, एंड आर्ट कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया वॉज शोकेस टू द वर्ल्ड, एंड वर्ल्ड वॉज अमेज्ड लुकिंग एट द ब्यूटी ऑफ इंडिया, द
the heritage of India. And listen one thing. Have you noticed what? When Prime Minister Modi was hosting the Leaders Summit, I have a question to ask to all the youth of Odisha. मेरा एक सवाल है आप सबसे. जब प्रधानमंत्री मोदी G20 की मेन समिट में दुनिया के 20 बड़े देशों के नेताओं को रिसीव कर रहे थे और 39 ऑर्गेनाइजेशन और देशों के लोग वहां पर आए, तो जहां पर मोदी जी खड़े थे बैकड्रॉप पे क्या दिख रहा था? क्या दिख रहा था? कोणार्क व्हील केवल उड़ीसा के लोगों को नहीं, दुनिया के 207 देशों में दिख रहा था. आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं आया जिसने कोणार्क व्हील को बैकड्रॉप के साथ साथ एक एक व्यक्ति को बताया उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कि कोणार्क व्हील का महत्व क्या है. ये उड़ीसा से प्यार, ये अपनी सभ्यता संस्कृति से प्यार नरेंद्र मोदी जी को है. And that is why I wanted to raise this with the youth of the country, especially with the youth of Odisha. Whatever we do, a small gesture can make a lot of difference. और जब रात को डिनर होस्ट किया तब बैकग्राउंड में क्या था? नालंदा यूनिवर्सिटी का बैकड्रॉप. कि हिंदुस्तान में हजारों साल पहले भी उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी जब दुनिया भर के देशों के लोग यहां पढ़ने आते थे. धर्मेंद्र भाई, आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मोदी जी ने दी है. इतने बड़े देश के करोड़ों युवाओं को स्किल प्रदान करना और शिक्षा प्रदान करना, बिकॉज वी वॉन्ट टू सी द यूथ हु इज इक्विप्ड विथ गुड नॉलेज एंड स्किल, एंड वी वॉन्ट टू हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्किल्ड मैन पावर इन इंडिया टू सर्व द कंट्री एंड टू सर्व द वर्ल्ड. एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद धर्मेंद्र प्रधान जी. Utkal University must be very proud of, ma'am, you must be very proud of your student who has done extremely well in the national politics. And I'm sure I'm going to see many young leaders in future from here in various fields, whether you pick up politics, whether you pick up the social service, or you pick up the journalism, you pick up to become an entrepreneur. World is looking at India. World is looking at India with a great hope. And I'm sure the hope what they see in India and the India's leadership, we're going to fulfill that. Hum unki apeksha akankshaon par khare utrenge jo duniya ko ummeed Bharat se hai. Utrenge nahi utrenge? Achha karenge ki nahi karenge? Bharat ko viksit Bharat banayenge? Odisha ko aage lekar jayenge? Hum apna yogdan denge? Aur hum apne shahidon ko bhi yaad karte rahenge? मेरा एक निवेदन आप सबसे है. मैं एक चीज मांगने आया हूं. कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आप सोचते हैं कि कमियां हैं, सुधार की आवश्यकता, यू वॉन्ट टू सी द चेंज, प्लीज बी द चेंज मेकर, बिकम द चेंज मेकर. प्लेज योर सेल्फ, प्लेज टू ब्रिंग द चेंज इन दैट सेक्टर. मैं चाहता हूं, अगर आपको लगता है शिक्षा में कमी, तो आप अपनी ओर से उस क्षेत्र में काम कीजिए. लगता है स्किल्स देना है, स्पोर्ट्स में काम करना है, एनवायरमेंट के लिए काम करना है, हेल्थ के लिए काम करना है, हम थोड़ा थोड़ा भी काम सब लोग करेंगे तो 140 करोड़ भारतीयों की ये ताकत है कि जब एक बार मन पक्का कर लेते हैं तो कुछ भी करके दिखा सकते हैं. और हम करके दिखाएंगे, भारत को विकसित भारत बनाएंगे. और एक बात मैं और कहता हूं, हमने 9 सालों में बदल दिया है. आज से 9 साल पहले लोग कहते थे इंडिया इज द फ्रेजाइल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एंड 9 ईयर्स मोदी हैज चेंज्ड इट एंड इंडिया हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए. हम कर सकते हैं, आगे भी करेंगे. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमें धर्मेंद्र जी को सुनना है. इतना ही निवेदन करूंगा, एक क्षेत्र, एनी वन एरिया विच यू वॉन्ट टू सी द चेंज, आई एम रिमाइंडिंग इट टाइम एंड अगेन, यू हैव टू वर्क इन दैट एरिया फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स. ये अमृत काल की शुरुआत है और स्वर्णिम काल होंगे जब देश 100 साल आजादी के मनाएगा,
2047 में, इन 25 सालों में आपको उस एक एरिया में बदलाव लाना है। आप अपना योगदान दीजिए, देश में आप वो बदलाव देखेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस कार्यक्रम में कुर्सियां कम पड़ गई हों, पैर रखने की जगह ना हो और युवाओं में उत्साह इतना ज्यादा हो, उस राज्य के युवा और उस देश के युवा बदलाव लाकर दिखाएंगे, अपने भारत को विकसित भारत बनाएंगे। तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।